हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सुनी ना आवाज़ आपने, कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है ये। तो चलिए वीडियो में बनाते हैं आगे कैसे बना है। कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 या 2 चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों तेल भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे इसमें हम जीरा। जीरा जब चटक जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम 2-3 अपने हिसाब से हरी मिर्च। साथ ही डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक से कटा हुआ। तो उसे हम सॉफ्ट होने तक उसे पका लेंगे। जब ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस मसाले। तो इसमें हम डालेंगे अब हल्दी। हल्दी को चला लेंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर, उसे भी भून लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की जगह पे आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। तब इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, गरम मसाले और चिली पाउडर को। बस भून जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से बस। तो अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़ा छील करके कटा हुआ आलू। अब इसे भी हम मसाले में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मसाला मिक्स हो गया है तो इसमें डालेंगे हम नमक। अब उसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है, क्योंकि इसमें न तो आलू उबालने का झंझट है, न ही छीलने का, न घिसने का। बस अब इसमें डालिए 1 ग्लास या आधा ग्लास या 1 कप के लगभग पानी। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे और फ्लेम को मीडियम आंच पे रखेंगे। तो चलिए, तो फिर ये पक रहा है। अब एक बार हटा कर देख लेते हैं कितना पका है ये। अब एक आलू लेंगे और उसे चम्मच से देखते हैं। ये कट तो रहा है लेकिन अभी अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है, मैशी जैसा हो जाए तो इसे करेंगे। तब तक इसे हम लो फ्लेम पर ढक करके पकने देते हैं। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली। अब उसमें डाल देंगे हम अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक। अब उसे हम एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल या घी, कोई भी, जो भी आप खाते हों। अब उसमें डालेंगे हम पानी। पानी मैंने गर्म पानी लिया है, ये ज़्यादा बिल्कुल खौलता हुआ पानी नहीं है, बस हल्का मीडियम में गर्म है। अब इसे पानी को डाल करके और इसे चला देंगे। 1 कटोरी सूजी में मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। आप कोई सा भी आप कर सक ले सकते हैं बर्तन, कटोरी से या कप से, किसी भी तरह से आप नाप लीजिए। तो वो ढक करके रख देंगे। अब आलू को चेक कर लेते हैं। तो आलू अब अच्छी तरह से पक चुका है, वो मैश हो रहा है। तो उसमें डाल देंगे हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही डाल देंगे हम इसमें अमचूर पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें जो हल्का हल्का अच्छा पानी जैसा है वो उसे सुखा देते हैं। जब वो पानी जब सूख जाएगा तो फिर मैशर लेंगे और उससे वो आलू को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो जैसे बॉयल आलू को भूनते हैं ना, उसी तरह से ये कच्चे आलू से भी ये इसी तरह से मैश हो जाएगा। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये कच्चे आलू से बनाया हुआ है, ये मसाला तैयार किया हुआ है।
अब बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी है ये बनाना। इसमें ना आलू को उबालना है, ना छिलना है, ना घिसना है, कुछ भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है आलू का। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो आलू को निकाल दिया प्लेट में। अब सेम वही कढ़ाई लेंगे। अब उसमें जो सूजी को भिगो कर रखा था ना, उसे हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे और उसे लगातार चलाते रहेंगे। ये नीचे चिपकेगा लेकिन ये छोड़ देगा नीचे से। और ये जैसे जैसे पानी इसका सूख जाएगा वैसे वैसे ये एक डो की तरह तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे अभी हम थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा देर के लिए फैला के रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये मीडियम ठंडा हो जाए तो इसे हम हाथों से जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसे भी मैश करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। और हल्का सा तेल लगा कर उसे ग्रीस कर देंगे ताकि चिकना रहेगी और सूखे नहीं, ऊपर से इसकी पपड़ी जैसी ना जमे इसमें। अब जैसे पूरी कचौड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से लोई लेंगे और उसे बना लेंगे। अब उसमें जो आलू का जो मसाला तैयार करा था वो उसमें भर देंगे। आप शेप कोई सा भी दे सकते हैं, चौकोर या ट्रायंगल, ओवल शेप में। तो मैंने इसे गोल कचौरी की तरह इसे बना कर के दिया है। इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई हमने रखा है गर्म होने के लिए, आंच को तेज़ रखेंगे, इसे कम नहीं करेंगे। अब एक एक करके सब डाल देंगे उसमें कढ़ाई में। अब इसे थोड़ी देर के लिए, इसे थोड़ी देर के बाद तब फिर पलटेंगे और फिर उलट पलट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए क्रिस्पी क्रंची नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।